Hey, what's up, buddy? आप लोग कैसे हो? मैं उसागर और आप देख रहे हैं गेमिंग किंगडम यूट्यूब चैनल। और आज मैं बताने वाला हूँ आप लोग कैसे माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में आरएल क्राफ्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक छोटा सा गेम प्ले दिखाऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे इंस्टॉल करना है। और जो पैक है उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, जो एड ऑन पैक है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। बट इसके लिए मेरे फुल वीडियो को देखना होगा, क्योंकि उसमें एक पासवर्ड लगा होगा जो मेरे वीडियो की, आप लोग अगर फुल वीडियो को देखोगे तो वीडियो के अंदर पॉपअप होगा। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक देखिए। तो हम लोग आ चुके हैं, देख सकते हैं जो आरएल क्राफ्ट की दुनिया है उसमें। और ट्री का टक्चर देखिए कितना भाई खूबसूरत है, भाई क्या बताऊँ, ऑसम है भाई। आरएल क्राफ्ट जो दुनिया है ना माइनक्राफ्ट का, वो बहुत ही अच्छा है। ये क्या है भाई, एक एक गोरिल्ला है, ये मुझे कुछ करेगा क्या, देखता हूँ। क्या भाई कैसे हो? ओ शिट, कितना डैमेज दिया भाई, ये तो बहुत शक्तिशाली है। और एक परा तो मैं ऊपर चला जाऊंगा भाई, मारना मत मारना मत। ए मार दिया भाई, भागो भागो भागो, ऐसे भागो, जल्दी से जल्दी, भागने में ही अच्छा ही है। आरएल क्राफ्ट की जो दुनिया है वो दिखने में जितना खूबसूरत है उतना ज़्यादा खतरनाक भी है। आप लोग जो मॉब्स देखेंगे आरएल क्राफ्ट की दुनिया में घूमती हुई, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जब रात होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और एग्रेसिव हो जाता है। मैंने बहुत बार इनसे क्या बोलूँ, कितना धुलाई हुआ है मेरा भाई, देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। और एक बात, अगर आप लोग आरएल क्राफ्ट को विथ शेडर के साथ खेलना चाहते हो तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करना और कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आरएल क्राफ्ट खेलने के लिए कुछ रिकमेंडेड शेडर पैक्स है जिसको यूज़ करके आप लोग आरएल क्राफ्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से खेल सकते हो। क्योंकि मैंने ट्राई किया था दूसरी जो शेडर्स है उसको यूज़ करने के लिए, बट इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है भाई। अगर आप लोग चाहते हैं आरएल क्राफ्ट जो है उसकी शेडर्स पैक के ऊपर, उस वर्ल्ड में किस तरीके की शेडर पैक यूज़ होता है तो उसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी मेरे स्क्रीन में देख सकते हो नाइट का वक्त हो रहा है और आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। मून जो है उसको तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जो लोग माइनक्राफ्ट लवर है ना वो लोग समझ सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा लगता है माइनक्राफ्ट खेलने में भाई। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और एक बात है, मेरे डिस्क्रिप्शन में जो जिप फाइल का लिंक दिया हुआ है उसको अनजिप करने के लिए ZAchiever नाम की एक ऐप की ज़रूरत होगा। ठीक है, उसको मेरे डिस्क्रिप्शन से या प्ले स्टोर में जाकर सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं बताने वाला हूँ इस पैक को कैसे आप लोग अपने वर्ल्ड में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को पहले तो ZAchiever को इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, फिर आप लोगों को जहां पर आप लोग उस फाइल को डाउनलोड किया हुआ हो, यानी जिस फोल्डर पे डाउनलोड किए हुए हो उस फोल्डर पे जाना होगा, फिर इसमें सिंपली टैप करना होगा, फिर आपके पास एक एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से आप लोगों को एक्सट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पासवर्ड की ज़रूरत होगा, जो पासवर्ड है मैं लिख रहा हूँ आप लोग देख लीजिए और मेरे स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। पासवर्ड है आरएल क्राफ्ट, ध्यान से देखिए, पासवर्ड है आरएल क्राफ्ट। तो इस ये लिखने के बाद एंटर कर दीजिए, तो देख सकते हैं थोड़ी देर में हो जाएगा। फिर देख सकते हैं एक फोल्डर क्रिएट होकर आ गया है न्यू, उसमें एक बिहेवियर पैक है और एक रिसोर्सेस पैक है। ठीक है, यहाँ पर दो एडोन है, दो एडोन पैक है, उनको माइनक्राफ्ट का जो ऑफिशियल गेमिंग फोल्डर है उसमें लेकर जाना होगा कट या कॉपी करके। ठीक है, तो यहाँ पर गेमिंग फोल्डर पे चला जाता हूँ मोजांग की, तो गेमिंग फोल्डर पे जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं बिहेवियर और रिसोर्सेस पैक की फोल्डर क्रिएट होकर आ रहा है। ठीक है ना, वहाँ पर जाकर पेस्ट कर देना है। ठीक है, एक बिहेवियर पैक जो है उसमें बिहेवियर का जो एड ऑन है उसको पेस्ट कर देना है, और रिसोर्सेस की जो फोल्डर है उसमें रिसोर्सेस की जो एड ऑन है उसको
पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर माइनक्राफ्ट को ओपन करना होगा और वॉल सेटिंग में चले जाना होगा। आप लोग देख सकते हो नीचे रिसोर्सेस पैक और बिहेवियर पैक की दो ऑप्शन आ रहा है, तो आप लोग इसके अंदर क्लिक कीजिए। फिर आप लोग माय पैक्स जो है वह उस सेक्शन पर जाइए और आपका जो एरोन है उसको एक्टिव कर लेना है, ठीक है। मैं अभी एक्टिव नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले से ही जो एडोन है उसको एक्टिव करके रखा हुआ हूँ, इसलिए मैं एक्टिव नहीं कर सकता, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।